अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 27 फरवरी सोमवार के रोज सरकारी गट डी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ महाराष्ट्र की ओर से परभणी जिला कलेक्टर इन्हें निवेदन दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि राज्य सरकारी गट डी कर्मचारियों के विविध मांगों को शासन दरबार में झूल खाते पड़े हुए हैं। कर्मचारियों के रुके हुए मांगों को लेकर 14 मार्च से राज्यव्यापी बेमुद्दत हड़ताल पुकारा जा रहा है। इस हड़ताल में सरकारी नीम सरकारी शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी वर्ग 4 के जिला परिषद और महानगर पालिका नगर परिषद कर्मचारी समन्वय समिति महाराष्ट्र के तहत सभी कर्मचारी शिक्षक 14 मार्च से बेमुद्दत हड़ताल करेंगे, ऐसा निवेदन दिया गया। निवेदन पर राज्य सरकारी गट डी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। राष्ट्रीय पिछड़ा ओबीसी वर्ग मोर्चा महाराष्ट्र राज्य व्यापी परिवर्तन यात्रा के पार्श्वभूमि पर आज तारीख 27 फरवरी 2023 सोमवार के रोज परभणी के स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में होटल अतिथि के मीटिंग हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक प्रदेश अध्यक्ष आरएस यादव ये रहते हुए अध्यक्ष स्थान पर विकास पटेल ये थे, तो प्रमुख उपस्थिति में विष्णुभाव कुटे, दिगंबर जाधव, चंद्रकांत डहाळे, श्रावण देशमुख, संपत राव सावने, भास्कर राव देवड़े ये रहते हुए श्रीधर निवृत्ति राव गीते, बाला साहेब लंगोटे, दीपक गुरुजी चोरमले, पूनम सिंह, निहाल सिंह टाक, खुशाल पवार, यशोदा ताई राठौड़, टी जी नाथ भजन, टी टी सुबेदार, रामराव जाधव, बबन अन्ना मुळे, सुभाष पांचाल, एन आई काळे आदि इस समय हाजिर थे। कार्यक्रम के संयोजक मुंजाजी भाले, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा परभणी ये रहते हुए कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा परभणी जिला यूनिट ने मेहनत की। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना, हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासी, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर जनपद, बलरामपुर यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के 5वें राज्य स्तरीय अधिवेशन तारीख 25 और 26 फरवरी के रोज नांदेड़ में संपन्न हुआ। इस समय परभणी के डॉक्टर गोविंद कामटे इन्हें इलेक्ट्रोपैथी में विशेष कार्य करने पर 2023 का गौरव अवार्ड देकर उनका सत्कार किया गया। इस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सार्वजनिक चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन नांदेड़ के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर सदाशिव धाबे, परभणी जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगताप, परभणी जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सैयद अनवर के साथ अन्य मान्यगण मंच पर हाजिर थे। सुयोग इंग्लिश स्कूल और जूनियर कॉलेज में मराठी भाषा गौरव दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर प्रिंसिपल सिद्धार्थ गवई ये थे, प्रमुख अतिथि में श्रीमती रश्मि देशमुख ये रहते हुए इस समय छात्राओं ने बनाए हुए पोस्टर का प्रकाशन किया गया। इस समय मुजावर अमीन, सुचिता थोरवटे, आतिया देशमुख, श्रवंती पिंडी, शुभम पाठक, हीराबाई बोरकर आदि ने मेहनत की। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। मानव तहसील के मौजे देवलगांव औचार में शिव जन्म महोत्सव के अवसर पर शंकर पाठ प्रतियोगिता तारीख 26 फरवरी रविवार के रोज ली गई। इस प्रतियोगिता में पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश दादा विटेकर और मानव कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पूर्व सभापति पंकज भैया आंबेगावकर, देवलगांव औचार के ग्राम पंचायत के सरपंच केशवराव औचार पाटिल, उप सरपंच शुभम भैया औचार, इनके ओर से प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम रखा गया था। इस प्रतियोगिता में कुल 70 बैल जोड़ियों ने शामिल करते हुए गाँव के नए युवकों के कारण दिन भर शंकर पट प्रतियोगिता ली गई। सेलू तहसील के मौजे पावड़े हाथगांव स्थित किसान रमेश शेवाड़े, इन्होंने प्रथम इनाम 21,000 रुपए हासिल किया, तो दूसरा इनाम 21,000 रुपए सतोना स्थित किसान भगवान होंडे, इनके बैल के जोड़ी को हासिल हुआ। तो तीसरा इनाम 7,000 रुपए सतोना स्थित भगवान लहाने, इनके बैल जोड़ी को मिला। तो चौथा इनाम 5,000 रुपए सतोना के ही अकबर तामुली, इनके बैल जोड़ी को हासिल हुआ है। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तियाब है।
दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार, लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें, इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में चार चांद लगाएं। एड्रेस जमजम कॉलोनी चश्मे हयात कुएं के पास कवड़गांव रोड परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। ओबीसी की जात न्याय जनगणना करे। जनगणना के लिए महाराष्ट्र शासन ने अर्थ संकल्प में निधि की तरतूद करे, ओबीसी के पूरा आरक्षण कायम रखे, बाटिया आयोग के लिए जमा की गई जानकारी की सत्यता जांचे और मंडल आयोग के सभी सिफारिश लागू करे। इसके लिए ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज तारीख 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक ओबीसी के जन जागृति और एकजुट के लिए मंडल यात्रा शुरू की गई है। ये मंडल यात्रा आगे 3 दिन समूचे जिले के गांव-गांव जाकर ओबीसी के प्रबोधन करते रहेगी और मंडल यात्रा में परभनी के विविध पक्ष संगठना के ओबीसी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए दिखाई दे रहे हैं। समितीच्या वतीने आयोजित केलेल्या या 3 दिवसीय मंडल यात्रेच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले आरक्षण बचाव कृती समितीचे आमचे सगळे सहकारी आणि मित्रांनो, आज या ठिकाणाहून मंडल यात्रा काढण्याचं कारण की आज देशामध्ये जी परिस्थिती आहे ही परिस्थिती आरक्षणाच्या विरोधात आहे, तर आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीनं हे आरक्षण अनेक दिवसापासून दिलेलं जे आहे त्याच्यामध्ये कमी करण्याचं काम शासनाच्या वतीनं केंद्र शासनाच्या वतीनं चालू आहे। याला विरोध म्हणून ही मंडल यात्रा परभणी जिल्ह्यामध्ये कंटिन्यू 3 दिवस जनजागृतीच्या निमित्तानं ही यात्रा होणार आहे। ह्या यात्रेमध्ये आमच्याशी सहमत असलेले सगळे ज्यांच्यावर आरक्षणाच्या माध्यमातून फार मोठा अन्याय होत आहे, आज ह्या देशात ह्या राज्यात आरक्षण गेल्या अनेक वर्षापासून 92 नगरपरिषदमधलं आरक्षण असो किंवा विविध शिक्षण क्षेत्रातले आरक्षण असो अशा अनेक आरक्षणाला कपात करण्यात आलेली आहे। ही कपात करू नये आणि राज्य शासनानं जनगणनेच्या माध्यमातून जी जनगणना आपली व्हायला पाहिजे अनेक दिवसापासून पेंडिंग आहे तीसुद्धा जनगणना झाली पाहिजे, मंडल आयोगाच्या पूर्ण मागण्या ज्या आहेत त्या लागू केल्या पाहिजेत आणि आरक्षणाच्या माध्यमातून ह्या देशातील तमाम सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलती ह्या पूर्ववत केल्या पाहिजे। त्यामुळे हा मंडल आयोगाची यात्रा आम्ही या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। निश्चितच ही यात्रा जनजागृती ह्या माध्यमातून चांगली होईल अशा प्रकारची अपेक्षित आहे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना संदर्भ में कार्यशाला संपन्न। हाल ही में चलाए जा रहे और नए सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग का दायरा बढ़ाने के खातिर प्रोत्साहित करना और नए सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग शुरू करना वर्ष 2020-21 से 2024-25 इस 5 वर्षीय लिए समूचे राज्य में लागू सभी प्रकार के नए और कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगों को बैंक कर से जुड़े फायदे और अन्य विषयों पर आज तारीख 27 फरवरी 2023 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन हॉल में कार्यशाला ली गई। इस कार्यशाला में जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी परभनी के विजय लोखंडे, कृषि उपसंचालक बीएस कछवे, जिला तंत्र सलाहकार डॉक्टर हर्षा कौसडीकर, मंडल कृषि अधिकारी शीतल पौल, मंडल कृषि अधिकारी पाथरी के विजय कुमार बांदे इनके प्रमुख हाजिरी रही। इस समय कृषि उपसंचालक बीएस कछवे इन्होंने परभनी न्यूज महानगर से क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योग खरोखरच ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची खूप चांगली योजना आहे आणि लाभार्थींनी त्याचा जर बेनिफिट घेतला तर मला वाटते आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये बऱ्यापैकी आपण उद्योग उभे करू शकतो। आता उद्योग कुठले उभारायचे तर आमच्या शेतकऱ्याकडे जे काही प्रॉडक्ट आहे, जे काही त्यांचं शेतामध्ये पिकलेलं आहे, त्या सगळ्या पिकलेल्या अन्नावर प्रक्रिया करायची आहे आणि प्रक्रिया करून त्याचं मार्केटिंग करण्यासाठी आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंटमार्फत हे 35% अनुदान देतो आणि 35% हे जे काही अनुदान देतो आहे त्यामुळं या छोट्या मोठ्या उद्योगांना, काही महिलांचे गट आहेत, काही आत्म्यांतर्गत गट स्थापन झालेले आहेत, काही इंडिव्हिज्युअल लाभार्थी आहेत, तर अशा सगळ्या प्रकारच्या लाभार्थींना साधारणपणे 35% अनुदान देण्यासाठी ही योजना आहे आणि या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत आपण परभणी जिल्ह्यामध्ये 32 लाभार्थींना लाभ दिलेला आहे। परंतु आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये तसं पाहिलं तर याहीपेक्षा जास्त स्कोप आहे आणि यामुळं आपण आज एक वर्कशॉप घेतलं। या वर्कशॉपमध्ये ज्या लाभार्थींचे प्रस्ताव बँकेमध्ये अडलेले आहेत त्या लाभार्थीसंग चर्चा केली, त्यांची चर्चा कशी सोडवता येईल
त्यांचा प्रस्ताव कसा मंजूर होईल या दृष्टिकोनातून एक विधायक चर्चा लाभार्थीकडून आली, आमच्या स्टाफकडून आली आणि खरोखरच आजचं जे काही वर्कशॉप आहे हे वर्कशॉप फलदायी होईल आणि निश्चितच आपल्याला प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी याचा आपल्याला बेनिफिट होईल आणि मला आशा आहे की जे काही लक्ष्यांक आहे तो लक्ष्यांक आम्ही या मार्चमध्ये पूर्ण करू। साधारणपणे 101 प्रस्ताव आमचे या येईल त्या महिन्यामध्ये मंजूर होतील आणि मंजूर झालेल्या प्रस्तावामुळे आपल्याला या योजनेचा लाभ आपल्या लाभार्थींना देता येईल। पर्टिक्युलरली काही तेल घाण्याचे उद्योग आहेत, असे छोटे मोठे उद्योग या ठिकाणी आपण इंटिग्रेट केलेले आहेत आणि यामधून निश्चितच आपल्याला चांगल्या प्रकारची दिशा देऊन आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण एक 100-125 तरी प्रोजेक्ट तयार करून लोकांना एक शेतीमधून जोडधंदा म्हणून शेतीमधल्या आलेल्या उत्पन्नावर एक जोडधंदा म्हणून त्याला जर आपण करून देऊ शकलो निश्चितच शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून ही एक खूप चांगली फायद्याची योजना आहे। सर हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इस पर जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज किस तरह पसंद आ रही है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।